हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्लेयर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट नंबर 13 को। क्लास 3 में पुस्तक है पंखुड़ी। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो आइए हम बिना देरी किए पार्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और पंखुड़ी पुस्तिका करके, पंखुड़ी हिंदी पुस्तिका करके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है, जिसमें अभी तक पिछले जो भी चैप्टर्स हैं 1 से लेकर 12 तक सारे के सारे अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लें और पढ़ लें। चलिए आगे पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे। वैभव स्कूल से घर आया तो माँ ने पूछा, स्कूल में आज क्या क्या हुआ वैभव? वैभव बोला, माँ आज 2 अक्टूबर है ना, हमारे स्कूल में गांधी जी और शास्त्री जी का जन्मदिन मनाया गया। सबने उनके चित्र पर फूल चढ़ाए। दीदी जी ने कंप्यूटर पर बहुत अच्छी फिल्म भी दिखाई, तो मैं उसकी कहानी सुनाऊं माँ? सुनाओ बेटा, माँ ने कहा। वैभव कहानी सुनाने लगा। एक बार कस्तूरबा बहुत बीमार हो गई, दवा से आराम नहीं हो पा रहा था। गांधी जी ने किसी पुस्तक में पढ़ा था कि बीमारी में कुछ समय तक नमक न खाने से लाभ होता है। गांधी जी ने कस्तूरबा से कहा, तुम कुछ दिन भोजन में नमक लेना बंद कर दो। कस्तूरबा ने गांधी जी से कहा, यह तो बड़ा कठिन है, नमक छोड़ने को तो कोई आपसे कहे तो आप भी न छोड़ पाएंगे। गांधी जी ने सोचा, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, हम जो बात दूसरों से करने को कहें पहले उसे स्वयं करना चाहिए, तभी उसका प्रभाव होता है। गांधी जी ने कहा, मुझे बीमारी हो और वैद्य किसी चीज को छोड़ने को कहे तो अवश्य ही छोड़ दूंगा, क्योंकि उसी में भलाई है। मैंने तुमसे नमक छोड़ने को कहा है, पहले मैं ही कुछ समय के लिए नमक छोड़कर देखता हूँ। बापू की बात का कस्तूरबा पर बड़ा प्रभाव पड़ा, उन्होंने भोजन में नमक लेना बंद कर दिया, शीघ्र ही वह स्वस्थ हो गई। वैभव से कहानी सुनकर माँ ने कहा, हाँ बेटा, ऐसे ही थे महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, वे जो कहते थे पहले स्वयं करते थे, तभी तो पूरा देश आज भी उन्हें याद करता है। चैप्टर की रीडिंग हमने कर ली, अब हम पाठ का सार पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से। सीख पाठ का सार यानी सारांश। वैभव के स्कूल में 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन मनाया गया। अध्यापिका जी ने गांधी जी के विषय में रोचक घटना सुनाई। वैभव ने यह घटना अपनी माता जी को सुनाई। घटना निम्न प्रकार है, एक बार कस्तूरबा बहुत बीमार पड़ गईं। गांधी जी ने उन्हें सलाह दी कि वे भोजन में नमक ना खाएं, दवा से कोई लाभ नहीं हो रहा था। कस्तूरबा ने गांधी जी की बात नहीं मानी। कस्तूरबा ने कहा कि नमक तो गांधी जी स्वयं भी नहीं छोड़ सकते। गांधी जी ने सोचा, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, हम जो दूसरों से कराना चाहते हैं वह हमें स्वयं पहले करना चाहिए, इसी में भलाई है। उन्होंने कस्तूरबा से कहा, पहले मैं ही एक वर्ष के लिए नमक छोड़ देता हूँ। उन्होंने नमक छोड़ दिया। इसका कस्तूरबा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, उन्होंने भी नमक खाना छोड़ दिया और वे स्वस्थ हो गई। वैभव की बात सुनकर माँ ने कहा, ऐसे थे बापू, वे जो कहते थे पहले स्वयं करते थे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम इसके शब्द अर्थ देखेंगे। उपदेश यानी शिक्षा होता है, कुशल यानी योग्य होता है, अवश्य जरूर होता है, प्रभाव असर। वीडियो को पॉज करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे और अपनी अपनी कॉपियों में नोट करेंगे और इन्हें लर्न करेंगे। बच्चों आगे पढ़ेंगे, अभ्यास प्रश्न पे आ गए हैं हम। उत्तर दो, 2 अक्टूबर को किन किन महापुरुषों का जन्मदिन मनाया जाता है? तो उत्तर लिखेंगे, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन मनाया जाता है। यहाँ फोटो में आप देख रहे होंगे, ये महात्मा गांधी हैं और ये आपके लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, ठीक है? खा है, गांधी जी ने कस्तूरबा को नमक छोड़ने के लिए क्यों कहा? तो अभी हमने पढ़ा था सार में, कस्तूरबा की बीमारी से दवा से ठीक नहीं हो रही थी, उन्हें स्वस्थ करने के लिए गांधी जी ने उनसे नमक छोड़ने को कहा।
गा है, हमारी बात का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर लिखेंगे, हमारी बात का दूसरों पर तभी प्रभाव पड़ता है जब हम स्वयं भी उस बात पर अमल करते हैं। दूसरा है, तुम अपने घर की बोली में इन्हें क्या कहते हो? माँ के भाई को तो मामा जी कहते हैं, पिताजी के पिताजी को दादाजी कहते हैं, पिताजी की बहन की पिताजी की बहन को, ज्यादा लिख गया है, एक ही बार लिखिएगा, इसे क्रॉस कर देती हूँ, ये इतना नहीं है, यहाँ तक ही है, दो बार लिख गया ये। पिताजी की बहन को बुआ कहते हैं, बुआ जी, माता जी की बहन को मौसी जी कहते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे, भला शब्द से बना है भलाई, इसी प्रकार इन शब्दों से नए शब्द बनाओ। अच्छा तो अच्छाई, बुरा तो बुराई, मीठा तो मिठाई, सच्चा तो सच्चाई। लिखो, इस बार 2 अक्टूबर को आपके विद्यालय में क्या क्या हुआ? तो लिखेंगे, 2 अक्टूबर को हमारे विद्यालय में गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस मनाया गया। उनकी तस्वीर पर प्रधानाध्यापक जी ने माला भी चढ़ाई और गांधी जी के बारे में बताया और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में भी बताया। गांधी जी की देश की आजादी में दिए गए योगदान के बारे में भी चर्चा की गई। तो ये सारे पॉइंट आप लिख लेंगे बच्चों, आप इसमें अपने स्कूल में जो हो वो भी लिख सकते हैं। नीचे बने खानों में इन नामों को छांट कर लिखना है, गांधी जी, कंप्यूटर, फूल, घर, कस्तूरबा, नमक, पुस्तक, कोयल, दिल्ली, गोपाल, हरिद्वार, घड़ी, चरखा, अहमदाबाद, लखनऊ, केला, पानी, गेंद, कलम, बल्ला, गाय, रबड़, हर्ष, वैभव, लड्डू, कबूतर। प्राणियों के नाम, स्थानों के नाम, वस्तुओं के नाम आपको अलग अलग करके लिखने हैं। तो प्राणियों के नामों में आएगा गांधी जी, कस्तूरबा, कोयल, गोपाल, गाय, हर्ष, वैभव। स्थानों के नाम में आएगा घर, दिल्ली, हरिद्वार, अहमदाबाद, लखनऊ। वस्तुओं के नाम में आएगा कंप्यूटर, फूल, नमक, पुस्तक, घड़ी, चरखा, केला, गेंद, कलम, बल्ला, रबड़, पानी, लड्डू इत्यादि। अब हम आ गए हैं कितना सीखा सेक्शन पे। पहला है, नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले समान अर्थी दो दो शब्द लिखो। तो ब्रज पेड़ का होता है ब्रज और बिटप, चंद्रमा का होता है चांद और शशि, फूल का होता है पुष्प और कुसुम। तो इस तरह हम दो दो समान अर्थी, यानी कि जिसको हम पर्यायवाची भी बोलते हैं, लिख लेंगे बच्चों। पेंसिलों से किताब में लिख लेंगे, कॉपी में नोट करना चाहे तो आप कॉपी में नोट कर लेंगे डायरेक्टली, अगर आपको किताब दे दी गई है तो आप अपनी किताब में भर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नीचे लिखे शब्दों में से संज्ञा सर्वनाम छांट कर अलग अलग लिखना है, हाथी, तुम, स्कूल, मैं, वह, अध्यापक, राम, रामपुर, पतंग। तो संज्ञा और सर्वनाम तो हम छांट कर लिखेंगे, तो हाथी, स्कूल, अध्यापक, रामपुर और पतंग। तुम, मैं, वह, हम। उससे पहले हम संज्ञा की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, सीता, दिल्ली, दया आदि। ठीक है, सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम आदि। रटना नहीं, इसको समझना है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज करे जाते हैं, यानी कि जैसे कि मेरा नाम सरिता है, तो मेरे नाम की जगह अगर वो मैंने खुद को मैं बोला तो वो क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। बहुवचन में लिखो, कितना सीखा बहुवचन? जब एक संख्या होती है तो एक वचन होता है, द्वि वचन होता है, दो संख्या होने पर। जब 3 से ज्यादा संख्याएं हो जाती हैं तो फिर आपका बहुवचन हो जाता है, यानी तीन तीन या 3 से ज्यादा तोते होंगे तो फिर आपका बहुवचन हो जाए, तोता को तोते हो जाएगा, सड़क का सड़कें हो जाएगा, आंख का आंखें हो जाएगा, सीढ़ी का सीढ़ियां हो जाएगा। कहते हैं ना, चलो सीढ़ियां चढ़ते हैं, उसकी आंखें, यानी एक से ज्यादा आंखों की बातें की जा रही है। सड़क, सड़कें, उस देश की सड़कें बड़ी अच्छी हैं। तोते, बागों में बहुत सारे, बाग में बहुत सारे तोते आते हैं, यानी एक ना आकर कई सारे तोते आते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुवचन का यूज किया जा रहा है। नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाओ, रोशनी, उदास, अचानक। तो पहले से बनाएंगे, बिजली की रोशनी तेज होती है। दूसरे से बनाएंगे, उदास से बाढ़ देखकर सीमा उदास हो गई, अचानक पेड़ की डाली टूट गई। इस तरह इनको आप बना लेंगे। आपके सेंटेंसेस यानी वाक्य अलग भी हो सकते हैं मेरे से, आप अगर अपने आप से बनाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा और आपके टीचर को भी बहुत अच्छा लगेगा।
सोचो और लिखो, क्या होता है यदि पहाड़ उड़ सकते? तो उत्तर लिखेंगे, यदि पहाड़ उड़ते तो हम आकाश की सैर करते। छठा है, चांद ने माता से क्या हट की? तो चांद का कुर्ता है, क्योंकि ये कितना सी का सेक्शन है, तो इसमें सारे चैप्टर जो हमने पीछे पढ़े हुए होते हैं उनकी समरी होती है, यानी उनके बारे में भी हमें दोबारा से रिवीजन करना होता है। एक टाइप का ही आपका रिवीजन है कि आपने कितना सीख लिया है अभी तक पुराने चैप्टर्स या पुराने पाठों से। तो लिखेंगे, चांद ने माता से स्वयं के लिए एक झिंगोला सिलवाने की हट की। माँ ने कुर्ता सिलवाने में क्या कठिनाई बताई? उत्तर लिखेंगे, माँ ने कुर्ता सिलवाने में चांद के एक आकार में नहीं रहने की कठिनाई बताई। आगे बढ़ेंगे, आठवां है, बापू की बात का कस्तूरबा पर क्या प्रभाव पड़ा? अभी पढ़ा था हमने, बापू की बात का कस्तूरबा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, उन्होंने नमक खाना बंद कर दिया और वे स्वस्थ हो गईं। याद की हुई कोई कविता कॉपी पर लिखो और सुनाओ। तो विद्यार्थी कविता स्वयं लिखें और सुनाएं। अभी तक हमने बहुत सारी क्लास एक में, दो में और आप तीन में पढ़ रहे हैं, तो आपने अभी तक बहुत सारी कविताएं याद करी होंगी, बहुत सारी पोएम्स याद की होंगी। ठीक है, तो उसको याद करके आपको अपनी कॉपी में लिखना है बच्चों। ठीक है, आप चांद का कुर्ता लिख सकते हैं, ठीक है, और भी प्रार्थना लिख सकते हैं जो पहला चैप्टर है आपका हिंदी का। नहीं तो आप क्लास दो के भी लिख सकते हैं, यानी क्लास टू की भी कोई पोएम लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, लिखकर आपको अपने टीचर को सुनानी है। ये काम तो आपको खुद ही करना होगा बच्चे। वैभव की सुनाई हुई कहानी को तुम अपने शब्दों में सुनाओ, यानी कि इस पाठ की जो कहानी है, यानी अभी हमने जो सीख पाठ 13 है वो पढ़ा था, उसकी बात की जा रही है। तो अभी हमने इसका सार दो बार एक तरीके से पढ़ लिया, एक बार चैप्टर रीडिंग के साथ और दूसरा हमने सार को अलग से भी पढ़ा है। अब यहाँ तीसरी बार पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए आप वीडियो को पीछे जाकर भी इस सार को या सारांश को समझ लेंगे और पढ़ लेंगे और सुनाएंगे। अपने मित्रों से कोई पहेली पूछो, तो हम पहेली पूछेंगे, तो मैं दो दो पहेलियां लेकर आई हूँ। आपका आपका जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड हो उससे आपको ये वाली पहेलियां पूछनी है। जब भी लिखना होता है तुमको, बनती हूँ मैं सखी तो सहेली, उत्तर होगा पेंसिल। अगर नाक पर चढ़ जाऊं कान पकड़ कर तुम्हें पढ़ाऊं तो चश्मा होता है। ठीक है, अगर नाक पर चढ़ जाऊं कान पकड़ कर तुम्हें पढ़ाऊं चश्मा होता है। लास्ट है 12th क्वेश्चन, अपने प्रिय दोस्त के बारे में कुछ वाक्य लिखिए। तो मैं यहाँ पर 5-6 वाक्य लेकर आई हूँ, 6 सेंटेंसेस में यहाँ पर लेकर आई हूँ। यानी रोहन मेरा दोस्त है, वह बहुत ही समझदार और अच्छा है, वह हमेशा मेरी सहायता करता है, मेरी पढ़ाई में भी मदद करता है, हम साथ साथ घर जाते हैं, हम साथ साथ पढ़ाई करते हैं। इस तरह से हम अपने दोस्त के बारे में कुछ वाक्य लिख लेंगे। आप और भी वाक्य लिख सकते हैं या इसे अलग भी लिख सकते हैं, जो आपके दिमाग में आ रहे हों, जो आपको अच्छे लग रहे हों, आपके दोस्त के बारे में जो आपको सच में लगता हो, वैसा आप अपने फ्रेंड्स के बारे में, दोस्त के बारे में यहाँ पर वाक्य लिख सकते हैं। जैसे कि मेरा दोस्त मेरी पढ़ाई में मदद करता है, वह मेरे साथ घर जाता है, हम दोनों साथ साथ खाना खाते हैं, हम दोनों साथ साथ पढ़ाई करते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।